हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑफेंसेस और पेनल्टी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो सबसे पहला जो लेसन है वो है इन्वेस्टिगेशन अंडर समन्स। देखिए, जो जीएसटी के जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं वो जो होते हैं उसके बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसको कि हम आगे जानेंगे कि अगर कोई आदमी टैक्स का पेमेंट नहीं करता तो उसके खिलाफ में क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन शुरू क्यों होता है और जो समन के तहत जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका लॉ के अंदर क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, जो जीएसटी का जो लॉ है उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट है। इसका मतलब कि जो एसएससी होता है वो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसका स्वयं निर्धारण करता है और स्वयं पेमेंट करता है। तो जब ये पावर उसको स्वयं दी गई है तो कई बार क्या करते हैं कि एसएससीज इस पावर का मिसयूज़ करते हैं और जो उनको टैक्स पे करना चाहिए वो पे नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो होता है, अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसमें टैक्स इवेजन हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को सफिशेंट पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं टैक्स को रिकवर करने के लिए, जिसका हम जिक्र करेंगे आगे के लेसन्स में। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कोई भी टैक्स का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो टैक्स है उसका इवेजन हुआ है। तो ये रीजन टू बिलीव जानना बड़ा जरूरी है, इसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कौन कौन अथॉरिटीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। तो देखिए, जो सीजीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई टैक्स इवेजन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो स्टेट जीएसटी के ऑफिसर्स हैं वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई टैक्स इवेजन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उसके पास में ऑल इंडिया ज्यूरिसडिक्शन है और वो ऑल इंडिया लेवल पे जीएसटी के इवेजन का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है तो उसके पहले हमें रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई, इसमें टैक्स इवेजन हुआ है। तो ये रीजन टू बिलीव का क्या मतलब होता है? रीजन टू बिलीव का देखिए मतलब ये होता है कि आपके पास में कुछ फैक्ट की नॉलेज हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, जिससे कि कोई भी एक रीजनेबल पर्सन है वो ये कंक्लूड करेगा कि हाँ, इसमें कोई टैक्स इवेजन है, या इसके अंदर ये कंक्लूजन इसमें निकलता है। ये जो आपका रीजन टू बिलीव है ये किसी इंसिडेंट के बेसिस पे होना चाहिए, स्टेटमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, या कुछ सर्कमस्टेंसेस इविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए जिससे कि आप ये सपोर्ट कर सकें कि हाँ, ये सच हो सकता है। इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत कोई भी व्यक्ति जो है उसको रीजन टू बिलीव माना जाएगा अगर उसके पास में सफिशियंट कॉज हैं ये बिलीव करने की हाँ ये सही है, बजाय इसके कि ये बिलीव करने की ये चीज़ सही नहीं है। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे हम रीजन टू बिलीव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लिया कि आप एक टैक्स ऑफिसर हैं और आपने देखा कि एक कोई टैक्स पेयर है, उसने अपनी जो बिल्डिंग है, अपना जो ऑफिस स्पेस है, उसको हायर पे दिया। मान लिया 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था जिसको कि उसने 1,00,000 रुपए पर मंथ पे हायर पे दिया। अब आप गए जो आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे 99acres.com हो गया या magicbricks.com हो गया, और वहाँ पे आपने देखा कि सेम एरिया जो है वो 2,00,000 रुपए महीने पे हायर हो रहा है। अब इसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस केस में जो वैल्यू डिक्लेयर की हुई है रेंट की, वो बराबर नहीं है और इसमें जीएसटी का इवेजन किया जा रहा है। इसी तरीके से मान लिया कोई एक टेलीविजन बेचता है, मार्केट में उसकी वैल्यू है 50,000, लेकिन फैक्ट्री से जब वो क्लियर करता है तो उसकी वैल्यू रहती है 10,000 रुपए। अब आपने देखा एक दूसरे टेलीविजन सेट को जो मार्केट में तो 50,000 के आसपास ही बिकता है, लेकिन उसका जो ओनर है वो फैक्ट्री से 25,000 में क्लियर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में लाजमी है कि आप ये माने कि ये जो 10,000 की वैल्यू है ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, और ये एक रीजनेबल कोई भी आदमी होगा ये कंक्लूड करेगा कि हाँ, इसमें कोई भी वैल्यू का सही डिक्लेरेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया जिससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रीजन टू बिलीव इसमें है कि टैक्स इवेजन हो रहा है। अब जो एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर है वो बहुत सारे कारणों से उसको रीजन टू बिलीव होता है, ये तो मैंने आपको एक कॉमन सेंस के हिसाब से बताया, बट और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि डिपार्टमेंट का ऑफिसर कंक्लूड करता है कि इसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। जैसे कि अगर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न हुआ, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई जिससे ये पता चलता है कि हाँ,
टैक्स इवेजन हो रहा है। उसी तरीके से ऑडिट के दौरान कुछ ऐसे फैक्ट सामने आया है जिससे कि पता चला कि टैक्स इवेजन हो रहा है। उसी तरह अगर मान लिया कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है डाटा एनालिसिस में जो टैक्स रिटर्न का होता है और जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैलेंस शीट डेटा है, TDS डेटा है, तो वहाँ पे भी आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ उसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताएं, मान लिया कोई एक कंपनी है जो कि इनगॉट बना रही है, अब वो 1000 किलोवाट बिजली कंज्यूम करती है और एक टन इनगॉट मान लिया बनाती है। अब आपने एक दूसरी फैक्ट्री के बारे में देखा कि जो कि 1000 किलोवाट बिजली कंज्यूम करके 2 टन इनगॉट बना रही है और ऑल इंडिया एवरेज भी जो है इसका 2 टन है, तो ऐसे सिचुएशन में ये कंक्लूड करना लाजमी है कि ये जो व्यक्ति है ये सही जो है प्रोडक्शन अपना नहीं दिखा रहा है। इसी तरीके से कई बार ऑफिसर्स होते हैं वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लिया एक फ्लैट है उसको बेचा जा रहा है, उस पर GST लगता है और फ्लैट जो है वो आप गए एज एन ऑफिसर उससे पूछा भी कितने का फ्लैट है, उसने कहा साहब 1 करोड़ का है, इसमें 50% ब्लैक दीजिए 50% वाइट दीजिए, तो जो डिक्लेयर्ड वैल्यू हो गई वो उसकी 50 लाख रुपये हो गई और बाकी जितने भी बायर्स हैं उन सब ने 50-50 लाख ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इंटेलिजेंस कलेक्ट की कि यहाँ पे 50% का इवेजन हो रहा है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी है 1 करोड़ बट डिक्लेयर्ड वैल्यू है 50 लाख। तो आप इसके बेसिस पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं और अगर आपको एविडेंस मिल जाता है कि ब्लैक मनी उसमें पे किया गया है तो उस अमाउंट पे आप टैक्स डिमांड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार इन्फॉर्मर्स होते हैं बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई बार इनसाइडर होते हैं वो बताते हैं कि साहब इसमें एक्चुअली इतना क्लियरेंस हुआ लेकिन दिखाया इतना गया, ये उसका प्रूफ है, तो इस बेसिस पे भी आप जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब एक टैक्स ऑफिसर रेड करता है किसी फैक्ट्री में किसी के घर पे तो वहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे कि इलीगल ट्रांजेक्शन का पता चलता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है आपको रीज़न टू बिलीव हो सकता है और आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट जो है वो मॉडस ऑपरेटिव सर्कुलर इशू करती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड, और उसके बेसिस पे भी आपको रीज़न टू बिलीव फॉर्म करने में मदद मिलती है। अब चलिए अगर मान लिया आपको एक रीज़न टू बिलीव हो गया कि हाँ भाई इसमें टैक्स इवेजन हो रहा है आपके पास में, तब आप क्या करेंगे? तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे एज अ टैक्स ऑफिसर, और टैक्स ऑफिसर्स को जो इस मामले में जो पावर दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली बात यह है कि टैक्स ऑफिसर को पावर है समन्स करने का, वो समन्स इशू कर सकता है जिससे डॉक्यूमेंट या किसी व्यक्ति को बुला सकता है स्टेटमेंट देने के लिए। उसको यह भी पावर है कि वो ऑफिसर को डिप्यूट कर दे जो कि उस जो उसकी जो प्रेमिसेस है उसका इंस्पेक्शन कर लें और वहां से फैक्ट क्या पता करें। अब ऑफिसर्स को यह भी पावर है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं और किसी भी जगह पे सर्च कर सकते हैं ताकि वहां से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट रिकवर किए जा सकें या इलीगल गुड्स को रिकवर किए जा सकें। फिर जो वहां पे गुड्स या इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसको डिपार्टमेंट सीज कर सकता है ताकि जो व्यक्ति है उसको मिसप्लेस ना कर सके। डिपार्टमेंटल ऑफिसर को यह भी पावर है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकते हैं और कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अगर उसने बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस को कमिट किया हो। अब हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है समन प्रोसीडिंग्स में वो कैसे आपका चलता है। देखिए समन जो है वो करीब करीब सारे ही केसेस में किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन उसमें इस्तेमाल किया जाता है और समन के माध्यम से हम जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और ये नॉर्मली हम तब करते हैं जबकि हमें जो डिस्क्रिपेंसी है वो रिकॉर्ड में ही विजिबल मिल जाए। अब जैसे कि मान लिया कि आपके पास में प्रोडक्शन क्लियरेंस का डिटेल और बिजली के बिल का डिटेल है तो समन प्रोसीडिंग से आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं और वहां से आपको शो कॉज नोटिस भी इशू कर सकते हैं। इसमें जो सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर हैं या उनसे जो सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो समन इशू कर सकते हैं, ऑफिस में बुलाया जा सकता है जो व्यक्ति है या उसको डॉक्यूमेंट टेंडर करने के लिए ऑफिस में कहा जा सकता है। कई बार स्पॉट समन्स इशू किए जा सकते हैं अगर सर्च के दौरान या इंस्पेक्शन के दौरान कोई व्यक्ति प्रेजेंट है जिसको कि हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्पॉट समन भी हम उसको इशू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो समन से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं वो क्या है। समन्स जो है सेक्शन 60 जो है वो CGST और SGST एक्ट में डिफाइंड है और इस प्रोविजंस के हिसाब से जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको ये पावर दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है जिसकी अटेंडेंस उसको लगता है कि जरूरी है, चाहे एविडेंस देने के लिए, चाहे कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी अन्य चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए।
कब, जबकि कोई इंक्वायरी वहां पे चल रही हो। और ये जो प्रोविजंस हैं उसी तरीके के हैं जो कि सिविल कोर्ट में प्रोविजंस बनाए गए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए ये होती है कि इसके अंदर जो भी इंक्वायरी की जाती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसको माना जाता है, सेक्शन 193 और सेक्शन 228 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। इसमें देखिए क्या फर्क है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जाता है उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाता है, लेकिन वही स्टेटमेंट जो है अगर किसी जज के सामने दिया जाता है तो उसको एडमिसिबल माना जाता है और उसके बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है या पनिशमेंट सुनाया जा सकता है। जो भी स्टेटमेंट समन के तहत डिपार्टमेंटल ऑफिसर को दिया गया है जीएसटी एक्ट में, वो जो स्टेटमेंट है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाता है और वो एज एन एविडेंस एडमिसिबल होता है, उसके बेसिस पे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समन पे आने पे मना कर दे तब क्या उसके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। देखिए अगर आपको समन किया जाता है तो ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पर अपियर हों और स्टेटमेंट आप दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ में तरह तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसका जो डिटेल्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो है बिना किसी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के समन पे अपियर नहीं होता है तो उसको सेक्शन 174 IPC के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर वो सर्विस ऑफ समन को अवॉइड करने के लिए भाग जाता है तो उसको सेक्शन 172 IPC के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर दे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने से मना कर दे, तो उसको सेक्शन 175 के तहत जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति झूठा गवाही देता है तो उसको सेक्शन 193 IPC के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसके खिलाफ में सेक्शन 122(3)(d) CGST या SGST एक्ट के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसका अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये तक जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आपको समन किया जाता है तो ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि आप अपियर हों और अपना स्टेटमेंट दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जाना कि जो GST एक्ट है उसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से शुरू किया जा सकता है, क्यों शुरू किया जाता है, ये रीज़न टू बिलीव क्या होता है, और ये सम्मन्स के अंदर जो प्रोसीडिंग्स की जाती हैं उसके अंदर कानून में क्या प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप उसको डाउट सेक्शन में दें। थैंक यू वेरी मच।